فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معزز ومكرم مصليان اكرام گزشتہ کل کے درس میں आपके सामने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुज़ू का तरीक़ा पेश किया गया और आप किस तरह वुज़ू करते थे इस पर सैयदना उस्मान इब्ने अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक अमली नमूना भी पेश किया गया। आज के दर्स में भी हम वुज़ू के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातों को जानेंगे। उनमें पहली बात यह है कि वुज़ू करने के बाद वुज़ू की जो दुआएं साबित हैं या वुज़ू के बाद के जो अज़कार साबित हैं उनकी पाबंदी की जाए तो ये बहुत खैर है हमारे लिए। इस ताल्लुक से सबसे पहली हदीस हम देखते हैं जिसे इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अपने सही के अंदर सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु की सनद से नकल किया है। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तवद्दअ फकाला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फतिहत लहु अबवाबुल जन्नति समानियति यदखुलु मिन अय्यहा शाअ। कि जो आदमी वुजू करे अच्छी तरह से वुजू, और मैंने कल आपको बतलाया था कि जहां भी अच्छी तरह से वुजू का तज़किरा आए उसका माना यह है कि सुन्नत के मुताबिक वजू करे, जो सुन्नत तरीका शरीयत से साबित है उसके मुताबिक, फिर ये दुआ पढ़े। बड़ी मारूफ और मशहूर दुआ है, करीब करीब सबको ये दुआ याद होगी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। याद है सबको? जी याद है, याद है सबको? ये बड़ी आसान दुआ है और मशहूर दुआ है लेकिन इसका अजर बहुत बड़ा है। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्ला फतिहत लहू अबवाबुल जन्नति समानिया, तो जन्नत के आठों दरवाजे इसके लिए खोल दिए जाते हैं। जो आदमी वजू करने के बाद ये दुआ पढ़े, जब वो मर के अल्लाह के यहाँ जाएगा और जब उसके जन्नत जाने की बारी आएगी तो उसके लिए जन्नत के आठों दरवाजे खोल दिए जाएंगे। जन्नत के आठों दरवाजे, वो जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। तो यहां दो बातों का पता चला, पहला ये कि जन्नत के आठ दरवाजे, कितने दरवाजे? जन्नत के आठ दरवाजे, और जो आदमी इस दुआ का इल्तिजाम करे तो उसके लिए जन्नत के आठों दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वुदू के बाद की एक और दुआ है जिसे इमाम नसई रहमतुल्लाह ने अमलुल यौम व लैला में जिक्र किया है। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला ने हदीस के रावी कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तवद्दअ थुम्मा क़ाल, जिसने वुज़ू किया फिर कहा सुभानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। ये दुआ जो हम आमतौर से मजलिस खत्म करते हैं तब भी ये दुआ पढ़ते हैं कफ़ारा मजलिस के तौर पर, तो वुज़ू के बाद अगर ये दुआ पढ़ ले तो कहते हैं कि ये दुआ और उसका ये अमल एक बड़े से वरक पर लिख करके पैक किया जाता है और सील्ड करके रख दिया जाता है। अब वो कब खोला जाएगा? कयामत के दिन खोला जाएगा, यानी उसका अजर अल्लाह ताला बहुत बढ़ा करके देगा। तो वजू के बाद की ये दो मशहूर दुआएं हैं। इसमें एक चीज याद रखें कि बहुत सारे भाई हमारे वजू के हर आदा को धुलते हुए एक एक दुआएं पढ़ते, जैसे चेहरा धुला तो अल्लाहुम्मा बय्यिज वजही, अल्लाह मेरे चेहरे को रोशन कर दे, अल्लाह मेरे हाथों को रोशन कर दे। ये दुआएं किताब और सुन्नत से साबित नहीं है। वजू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, खामोशी से वजू करें और उसके बाद ये दुआ पढ़ लें। चलें, एक मसला है हर नमाज के लिए वजू करना, क्या ये जरूरी है? अभी एक भाई ने मुझसे पूछा, दिखाई नहीं दे रहे कहीं भी, उन्होंने मुझसे ये मसला पूछा, मैंने खैर उनको बता दिया। कहने का मकसद ये है कि देखिए ये मसाइल वो हैं जो रोजमर्रा के हैं,
उन्होंने कहा कि शेख मैंने अभी जोहर की नमाज पढ़ी है और मैं वजू से हूं, क्या इसी वजू से असर की नमाज पढ़ सकता हूं? ये रोजमर्रा के मसाइल है जो बताए और पढ़ाए जा रहे हैं। मकसद क्या है इसका कि आप सीख लें, समझ लें। अब वो यहां मौजूद नहीं है, बहुत सारी बातें उनके उनसे रह जाएंगी, अगर मौजूद होते तो शायद वो इन बातों को सुन लेते। तो कहा कि इंसान जब नमाज का इरादा करे और वो हदस से हो यानी पेशाब पखाने से फारिग हुआ हो तो उसके लिए वजू करना वाजिब है। हर नमाज के लिए नया वजू करे खैर है इसमें, और अगर ना करे तो एक वजू से कई नमाजें पढ़ सकता है, इल्ला ये कि उसे पेशाब पखाने की हाजत ना हो या वजू जिन उमूर से टूट जाता है वो उमूर उसे लाहिक ना हो। इंशाल्लाह मैं वो बताता हूं आपको। देखे अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने अम्र बिन आमिर कहते हैं कि उन्होंने अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला से रिवायत की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के लिए वजू करते थे। तो कहा कैफ कुंतुम तस्नाउन, قال يجزي احدنا الوضوء ما لم يحدث। कहा कि अगर एक आदमी को एक वजू कई नमाजों के लिए काफी है अगर उससे हदस ना हो, यानी वो काम ना करे जिससे वजू टूट जाता है। अगर वजू बरकरार है तो कई नमाजें पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। ऐसे ही बुरैदा रजी अल्लाह तआला कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के दिन एक ही वजू से कई नमाजें पढ़ी और आपने अपने मोजे पर मसाह किया, तो उमर रजी अल्लाह तआला ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने आज एक ऐसा काम किया है जो इससे पहले नहीं किया, यानी आप एक वजू से कई नमाजें पढ़ें लेकिन आप इससे पहले हर नमाज के लिए वजू करते थे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अमदन सनअतु या उमर, ऐ उमर मैंने जानबूझ के ये किया है ताकि लोगों को मालूम हो जाए एक वजू से कई नमाजें पढ़ी जा सकती है इंशाअल्लाह। तो एक वजू से आप चाहे तो कई नमाजें पढ़ लें और हर नमाज के लिए वजू करें तो इंशाअल्लाह अजर है इसमें। अब आज़ा धुलेंगे, मशक्क़त उठाएंगे, वजू के बाद की दुआ पढ़ेंगे तो अजर है ना, तो इंशाअल्लाह अजर है इसमें। चले दूसरी बात, वजू किन उमूर से टूट जाता है? एक आदमी वजू कर ले तो वजू किन उमूर से टूट जाता है? तो सबसे पहली चीज, छह बातें हैं जिनसे वजू टूट जाता है। सबसे पहली चीज क्या है कि पेशाब पखाना की हाजत को जाना, या हवा खारिज होना, या मनी का या मजी का या खून का बहना। खून कहां? शर्मगाह से। ये याद रखें आप, खून कहां से? शर्मगाह से, ठीक है, चाहे आगे के हिस्से से या पीछे के हिस्से से। तो मा अल खारिज मिन सबीलैन, यानी पेशाब पखाने के रास्ते से जो भी निकले, चाहे वो पेशाब हो, पखाना हो, हवा खारिज हो, मजी हो, मनी हो या खून का बहना, तो इससे क्या है? वजू टूट जाता है। दूसरी चीज जिससे वजू टूट जाता है वो है इंसान के अक्ल का खत्म हो जाना, यानी बहुत गहरी नींद आ गई, किसी चीज का होश नहीं है उसे, या ऐसे ही वो नशे के आलम में है, या पागल है। आदमी ठीक था, अचानक पागल हो गया और उसके बाद फिर ठीक हो गया, तो सूरत में पागल होने की वजह से उसका वजू क्या है? टूट जाता है, ठीक है ना। तो अकल का चले जाना, चाहे वो नींद के जरिया हो, चाहे वो पागलपन के जरिया हो। तीसरी चीज, बगैर किसी हायल के शर्मगाह को छूना, कपड़े के बगैर शर्मगाह पर हाथ पड़ जाए, चाहे आगे के हिस्से पे या पीछे के हिस्से पे, तो उससे क्या है? वजू टूट जाता है। पांचवी चीज, इंसान का इस्लाम से मुर्तद हो जाना। एक आदमी मुर्तद हो गया फिर इस्लाम में आ गया, तो मुर्तद होने की वजह से जो वजू था उसका वो टूट जाता है, वजू खत्म हो जाता है। इस्लाम में आने के बाद उसे गुस्ल करना है, फिर से वजू करना है। बात समझ में आई? अच्छा, छठी चीज क्या है? ऊंट का गोश्त खाने से, अगर कोई ऊंट का गोश्त खा ले तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऊंट का गोश्त खाने से वजू टूट जाता है। तो ये छह उमूर हैं जिनकी वजह से बंदे का वजू टूट जाता है। चले एक चीज यहां अहम मसला है, वो है कि खून का निकलना। खून अगर शर्मगाह से निकले, चाहे आगे या पीछे के हिस्से से, तो उससे वजू टूट जाता है, चाहे मर्द हो या औरत हो। दूसरी चीज जो है, इसके अलावा अगर बदन से कहीं से खून निकल जाए, जैसे जख्म लग गया, नाक से नक्सीर फूट गया, दांतों से खून आना शुरू हो गया, या कोई जख्म फूट जाए, तो सूरत में क्या है? इससे चाहे खून कम निकले ज्यादा निकले वजू नहीं टूटता है। हाँ, सफाई सुथराई के बाब में यह है कि जहां से खून निकले उसको साफ कर ले, वजू करने की जरूरत नहीं, इन चीजों से वजू नहीं टूटता है। ऐसे ही हल्की नींद अगर आ जाए, हल्की, आदमी को होश हो, दो तरह की नींद होती है, एक जो आदमी बिल्कुल सोते ही चले गया दूसरी दुनिया में,
तो खैर उससे वजू टूट जाता है। लेकिन यहीं पर है सारी बातें, आंख बंद है, नींद में है, लेकिन सारी बातें सुन रहा है, समझ रहा है, तो इससे बंदे का वजू नहीं टूटता है। इसकी दलील क्या है? सही बुखारी सही मुस्लिम की रिवायत है, अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नमाज के लिए इकामत कही गई और एक आदमी आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने लगा। इतनी देर उसने बात की कि बाद सहाबा को ओंग लग गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए नमाज पढ़ाए, वो वहीं खड़े होकर के वैसी नमाज पढ़ ली, वजू नहीं किया और अल्लाह के नबी ने वजू करने का हुक्म भी नहीं दिया। तो बताइए चला कि अगर हल्की नींद हो तो उससे क्या है, वजू टूट नहीं टूटती है। हाँ, अगर गहरी नींद आ जाए तो बंदे का वजू इससे टूट जाता है, उसको नमाज के लिए दोबारा वजू करना है। इंशाल्लाह आइंदा कल के दर्स में जो है मोजों पर मसाह के बाब में हम गुफ्तगू करेंगे। आज के दर्स के मुतालिक अगर कोई सवाल है तो पूछ ले आप। वैसे मैं एक वजाहत कर दूं, कई मकाम पर हमने ये पढ़ा कि बंदों के गुनाह माफ हो जाते हैं, जैसे रमजान के बारे में कि जो रमजान के रोजे रखे उसके गुनाह माफ, जो रमजान में क्याम करे उसके गुनाह माफ। तो ये जितने गुनाह हैं ये सब सगीरा गुनाहों के बारे में, छोटे गुनाहों के बारे में। ये याद रखिए, गुनाह की दो किस्में हैं, एक कबीरा और एक सगीरा। कबीरा बड़े गुनाह और सगीरा छोटे गुनाह। तो ये जो आमाल हैं छोटे छोटे, इनके जरिए बंदों के छोटे गुनाह माफ होते हैं। जैसे हमने वजू के बाब में पढ़ा था कि आदमी वजू करे तो हाथ से उसने जो छोटे गुनाह किए हैं या निगाह से उसने जो छोटे गुनाह किए हैं तो पानी चेहरे पर डालने की वजह से वो गुनाह झड़ जाते हैं। तो यहां क्या मुराद है? छोटे गुनाह। बड़े गुनाहों के लिए तौबा शर्त है, और अगर किसी इंसान से उस गुनाह का ताल्लुक है, हुकूकुल इबाद से है, तो वहां भी बंदे को चाहिए कि सामने वाले बंदे से मामला साफ सुथरा कर ले, मामले की इस्लाह कर ले। चले, ये वजाहत थी जो बताना चाहता था। अब अगर किसी ने कुछ पूछना है तो दर्ज के मुतालिक सवाल करें, कोशिश करूंगा जवाब देने की। जी हाँ, वजू की एक और मशहूर दुआ है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्क वलहुल हम्द अला कुल्ली शैइन क़दीर व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। ये दुआ के बाद जो है अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन, तो इंशाअल्लाह ये भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है जी। लेकिन दुआ पढ़ने के लिए आसमान की तरफ देखना या उंगली उठाना यह सुन्नत से साबित नहीं है, और ना ही इसके लिए हाथ उठा के दुआ मांगना। बस आपने वुजू किया, खामोशी से दुआ पढ़ लीजिए, काफी है इंशाअल्लाह जी। गुटखा खाने से, ऊंट का गोश्त खाने से वुजू क्यों टूट जाता है? देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें हमें उसकी मसलहत नहीं बताई गई। अब जैसे एक मिसाल देता हूं, अगर अब हम इसमें अकल लगाने जाए, गोश्त तो गोश्त है भाई, गाय का हो कि ऊंट का हो, बड़े का हो या छोटे का हो, गोश्त तो गोश्त है, आखिर वजू क्यों टूट जाता, अकल में नहीं आ रही है। तो मोजे पे मसाह के बाब में ही हदीस आएगी इंशाल्लाह आइंदा कल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मसाह करते थे तो मोजे के ऊपरी हिस्से पे करते थे, नीचे नहीं, जबकि गंदगी नीचे लगती है। तो अली रजी अल्लाह तआला से किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा था कि लौकान दीन बिर राय, अगर दीन इंसानों के राय के मुताबिक होता तो मोजे का निचला हिस्सा ज्यादा हकदार था मसाह करने का बनिस्बत ऊपरी हिस्से के, क्योंकि गंदगी नीचे लगती है। तो कुछ चीजें हैं जो हुक्म है लेकिन उनकी हिकमत नहीं मालूम है बस। हाँ, बाज़ उलमा ने इस पर बयान किया, उलमा की राय है, मैं हदीस के अल्फाज नहीं बयान कर रहा हूं, कि ऊंट की तबीयत में बड़ी शैतानी होती है, अगर आदमी वजू कर ले तो क्या है कि इंसान की तबीयत उमूमन नॉर्मल हो जाती है। इस तरह की बातें उलमा ने की, इसका हदीस से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना जी। लेकिन वो हुक्म है तो मानना है, सीधी सी बात है। अब हमारे अकल में, हमारी अकल है भी कितनी है मेरे भाई। अल्लाह ने आयतुल कुर्सी में क्या कहा, वला युहीतूना बिइल्मिही इल्ला बिमा शाअ, के अल्लाह जितना इल्म देना चाहे आदमी उतना ही ले सकता है, यानी अपनी अकल लगा करके भी उस इल्म को नहीं पहुंच सकते जिसको अल्लाह ने रोक के रखा है। और अल्लाह ने कहा वमा उती तुम मिन इल्मिन इल्ला कलील, इंसान को थोड़ा सा इल्म दिया गया, थोड़ा सा, अब उसी में वो बेचारा हाथ पैर मार लेता है। नहीं, जो चीजें अकल में नहीं आती हैं उन पर आदमी ईमान रखे, इंशाल्लाह इसका बड़ा अजर है, क्योंकि यही ईमान बिल गैब का तकाजा है। ईमान बिल गैब का तकाजा है, जो चीज अब कोई कहे कि नहीं भाई हम कैसे मान ले कि जन्नत है, हम कैसे मान ले कि जहन्नम है, हम कैसे मान ले कि फला चीज है, कब्र में अजाब होता है, कैसे मान ले, ये जब कैसे में पढ़ेंगे तो ये शैतान के रास्ते जो इंसान को गुमराह कर देता है।
सबसे मुअज्जज बरगुजीदा शख्सियत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब चीजों पर जब ईमान लाया तो हमें लाना तो अव्वल दर्जे का हक है जी। अगर और कोई सवाल है तो पूछे। नहीं, पान खाने से, गुटखा खाने से या सिगरेट पीने से वजू नहीं टूटता है, लेकिन इन सब का खाना हराम है। सीधी सी बात है, इन सब का खाना क्या है? हराम है जी। हाँ, आयतुल कुर्सी पढ़ते वक्त बहुत सारे लोग हिसार बनाते हैं, यह सुन्नत से साबित नहीं है। जो दुआ पढ़ के दम करने का है वो ये है, आयशा रजी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर आते तो मुअव्वज़तैन पढ़ते और दुआ में जैसे हाथ उठाते वैसे हाथ उठाते और दम करके अपने जिस्म पर हाथ को मल लेते थे। ये साबित है, आयतुल कुर्सी के ताल्लुक से साबित नहीं है। बिस्तर पर आते वक्त बस आप खाली पढ़ लीजिए, ये काफी है इंशाल्लाह, हिसार बनाने या दम करने की जरूरत नहीं है आयतुल कुर्सी के जरिए बिस्तर पर आते वक्त। जी जी शेख, कुछ पूछ रहे थे आप? अच्छा, वही सवाल।